हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज 16 मार्च 2020 को एग्ज़ाम फॉर्म की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। आज से हमारे NTA NET UGC के एग्ज़ाम जो जून में होना है, 15 जून से 20 जून 2020 में, उसके लिए आज से एग्जामिनेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, जो आप 1 मंथ के इंटरवल के अंदर अंदर फिल कर सकते हैं। तो आइए इसका पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि नेट जून 2020 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म आज से फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम यहाँ से इंग्लिश और हिंदी के अंदर हैंडलर्स डाउनलोड कर लेते हैं और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ से हम फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जून नेट 2020, और ये भी हम अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल करके दिखा देंगे, ताकि हर बच्चा खुद ही इस फॉर्म को फिल कर सके और कोई इशू ना रहे। बात करते हैं आज की इसकी हैंडलर की। ये हिंदी के अंदर सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और यहाँ पर इंग्लिश में भी। एग्ज़ाम है वो 15 जून से 20 जून 2020 को है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स का रहेगा, 2 शिफ्ट में रहेगा ये एग्ज़ाम। और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन बिटवीन 16 मार्च 2022 16 अप्रैल 2020 अप टू 11:50 PM। और एप्लीकेशन फ़ी पे करने की डेट एक दिन और आगे की मिली हुई है, 17 अप्रैल 2020 तक हम 11:50 PM तक इसको फिल कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन नहीं होगा। पहले इसके हैंडलर की बात करते हैं हम। तो ये देखिए आप, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इन्होंने कंप्लीट प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हमारी 16 मार्च टू 16 अप्रैल 2020 रहेगी। लास्ट डेट 17 अप्रैल 2020। फ़ी पेमेंट के लिए कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। जर्नल और अनरिजर्व्ड के लिए 1000 रुपीज़, जर्नल EWS OBC एंड NCL के लिए 500, और SC ST PWD और ट्रांसजेंडर के लिए 250। इंक्लूडेड टैक्स एंड ऑल हमें कुछ और अलग से नहीं देना पड़ेगा GST। करेक्ट कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को वेबसाइट के ऊपर 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। एडमिट कार्ड हमारे 15 मई 2020 को डाउनलोड हो सकेंगे, और डेट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 15 जून 2020 टू 20 जून 2020 रहेगी। 3 आवर्स का एग्ज़ाम रहेगा, बिना ब्रेक का रहेगा, दोनों पेपर्स एक साथ होंगे, 2 शिफ्ट्स में होगा, ठीक है। और जो रिज़ल्ट भी आ जाएगा वो 5 जुलाई 2020 को रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा इसका। ये ऑनलाइन मोड टेस्ट रहेगा, ऑफलाइन नहीं है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिनकी तैयारी नहीं है, जो लैपटॉप से कंप्यूटर से रूबरू नहीं है, वो लोग प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए, मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दीजिए, या फिर फ़ोन की ऐप में भी स्टार्ट करिए, कैफेज़ में जाइए। लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ 3 आवर्स आपको कंप्लीट फोकस इसी एग्ज़ाम के लिए रखना पड़ेगा, तो आपको यूज़ टू होना चाहिए कंप्यूटर से भी। और एक और इन्फॉर्मेशन, कई बच्चों की क्वेरी होती है कि हम एक ही एग्ज़ाम में दे सकते हैं, हमारे कोर्स से रिलेट करते हुए हम एलिजिबल होते हैं 2 एग्ज़ाम्स को देने के लिए भी। तो ऐसा नहीं है, एक एप्लीकेशन एक ही कैंडिडेट फिल कर सकता है, ठीक है। और स्टेप्स, जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर आपको बाकी सारी क्वेरीज तो क्लियर हो ही जाएगी। तो मेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इसकी थी वो यही थी। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस हैंडलर की हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सके और गो थ्रू हो सके, और जितनी भी आपकी क्वेरीज है वो क्लियर हो सके। एग्जामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट कोड के रिगार्डिंग, कौन से आपको मार्क्स डालने हैं, और क्या अटेस्टेड आपको फोटोग्राफ लगानी है, या फिर आपके सिग्नेचर्स चाहिए, उन सब के लिए। तो मेन है कि ये एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और इसको जल्दी से जल्दी हमें भर देना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की डिटेल्स, जो है कि आपको कैसे फॉर्म भरना चाहिए उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गेन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, जिसमें आपको फॉर्म किस तरह से फिल हो ये बताया जाएगा।
तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।